नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी कम हुआ है न कि खत्म हुआ है, लेकिन अनलॉक की ऐलान कर दिए जाते ही बहुत से लोग बेपरवाह होने लगे। इस बीच पटना प्रशासन ने गाइडलाइंस न मानने वाले लोगों से दंड शुल्क लेना शुरू कर दिया है, ताकि लोगों के द्वारा मास्क का प्रयोग किया जा सके। जांच दल का चेकिंग अभियान लगातार अभी चलता रहेगा। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सभी जिलों में इस मुद्दे पर जिला प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है। इसी क्रम में वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। आज से पटना के बड़े मॉल जैसे P&M सेंट्रल तथा पटना वन मॉल के अतिरिक्त सभी प्रकार के बड़े स्टोर को खोलने की अनुमति दी गई है। इस अनुमति में कोरोना गाइडलाइंस भी लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में मुहर्रम जुलूस की इजाजत नहीं दी है। कोर्ट का कहना है कि इजाजत दी तो अराजकता फैलेगी। उसने देश भर में इस मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। विश्व विख्यात बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजन के लिए कुछ शर्तों के साथ इजाजत दे दी गई है। इसके तहत सुबह 6 से 4 घंटे तक देवघर, जबकि बासुकीनाथ मंदिर में 7 बजे सुबह से दिन के 11 बजे तक पूजन करने की अनुमति दी गई है। राजधानी पटना में 316 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। खबरों के मुताबिक जिले में संक्रमित व्यक्ति की संख्या 19,784 हो गई है। कोरोना से संबंधित सभी अहम जानकारी 8 सितंबर तक सरकार से पटना हाई कोर्ट ने मांगी है। अब सरकार द्वारा गंभीरता पूर्वक सभी बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की जा रही है, ताकि कोर्ट को समय पर दिया जा सके। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बात कुछ अटपटी सी हो रही है। 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी की बात रखकर उन्होंने महागठबंधन में मौन सी खलबली मचा दी है। कुशवाहा मानते हैं कि गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए यही एक तरीका है। मुख्यमंत्री की वर्चुअल चुनावी शंखनाद के लिए विशेषज्ञों की टीम दिन रात लगी हुई है, ताकि समय रहते अधिक से अधिक जनता एवं कार्यकर्ताओं के बीच संवाद स्थापित किया जा सके। 6 सितंबर को नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली निर्धारित है। एसोसिएशन ऑफ डिपेंडेंट स्कूल के बैनर तले सभी स्कूल संचालकों ने सरकार के परिवहन विभाग को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें स्कूल बसों के टैक्स एवं अन्य शुल्क में रियायत देने की अपील की गई है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज़।